शादी करके फंस गया यार, शादी करके फंस गया यार। भैया ई हवन विजय बाबू, रउआ लोगी मत सोची कि कोनो नशेड़ी गजेड़ी हवन, ही तो इनकर एक्शन करे के पहले वाला स्टाइल रहा, अब देखी इनकर सुपर एक्शन वाला स्टाइल। शादी करके फंस गया यार, शादी करके फंस गया यार। आदित्य मुझसे जानना चाहते हैं कि मेरी राय क्या है, तो मुझसे बेहतर तो आप बता पाओगे आदित्य, क्योंकि बहुत हाल ही में आपने शादी भी की है और अभी जो आपने फिल्म की है शादी करके फंस गया यार, तो आपको एकदम ताज़ा ताज़ा अनुभव है, आपसे बढ़िया कौन बताएगा। क्या लगता है आपको, शादी करके आप फंस गए? हाँ अच्छा तो ठीक है, मेरी राय जानना चाहते तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है, कोई शादी करके फंसता नहीं है। हाँ ये ज़रूर होता है कि जब दो लोग साथ में रहते हैं तो दो लोगों का स्वभाव अलग हो सकता है, उनके विचार अलग हो सकते हैं, किसी भी बात पे उनका पक्ष अलग हो सकता है, तो जब मतभेद होता है, मत में भेद होता है, तो लगता है कि यार ये समझ क्यों नहीं रहा है, चाहे ये समझ क्यों नहीं रही है, तो ऐसे समय में थोड़ी देर के लिए लगता है कि शादी करके फंस गया, पर ऐसा नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या कोई शादी करके फंस जाता है या नहीं फंसता है, और अगर किसी चीज़ में उसको लगता है फंस गया है तो उसका कितना आसान तरीका है उससे निकलने का, ये जानने के लिए आप देखिए शादी करके फंस गया यार। मेरे छोटे भाई आदित्य ओझा की फिल्म आ रही है, प्रकाश जायसवाल जी की फिल्म आ रही है, और आप जान पाएंगे कि क्या शादी करके कोई फंस जाता है। थैंक यू।